नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारवे तालुक में। मैं गौरव निरंजन, उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का और अपने परिवेश का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे इस महामारी के दौरान। ठीक ना, चलिएगा। तो जैसा कि कल आपको एक वीडियो मिला था जिसमें रवि सर के द्वारा आपको बताया गया था कि आपके संस्थान में RO ARO का फाउंडेशन ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो गया है और इस फाउंडेशन बैच में आपको प्रवेश पाने के लिए इस नंबर पर एंट्री RO ARO लिखकर सेंड करना है। मेरे नाम से और मेरे कार्य से आप दोनों से बखूबी परिचित होंगे। मैं आपको इस एग्जाम के लिए RO ARO की तैयारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए मैं आपको भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ वीडियो मेरे रहेंगे, साथ ही साथ कुछ वीडियो आपके प्रिय रवि पी तिवारी सर के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मैं भूगोल से प्रारंभ करता हूं, आज की अपनी शुरुआत मैं करता हूं भूगोल से। और पहला चैप्टर जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, भारत की जलवायु। अगर आपने इस भारत की जलवायु को पढ़ लिया, समझ लिया, तो इससे आपके कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे भारत की जलवायु यदि आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो भारत की जलवायु के साथ साथ भारत की वनस्पति, भारत की मृदा, भारत के उद्योग और साथ ही साथ भारत की कृषि, ये चार चैप्टर ऐसे हैं जो यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारत की जलवायु आपने आज से पहले जहां भी पढ़ा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने चल रहा हूं, इस तरीके से शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा हो। जो भी हमारे बैच के सदस्य देख रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप RO ARO एंट्री लिखकर भेज सकते हैं और याद रखिएगा व्हाट्सएप करना है। साथ ही साथ में ये हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं जिन पर आप प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरीज ले सकते हैं। इस बैच की जो विशेषताएं हैं, इसमें तो नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूं। आपको 6 घंटे के लगभग लाइव क्लासें मिलेंगे जिसमें 4.5 घंटे की आपकी GS की क्लासें होंगी और 1.5 घंटे की आपकी हिंदी की क्लासें होंगी, क्योंकि हिंदी RO ARO की परीक्षा में एक अहम भूमिका रखता है। 60 नंबर का पूछा जाता है आपसे और हिंदी में बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द विलोम पूछे जाते हैं आपसे, तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं, वर्तनी पूछी जाती है, पर्यायवाची, एक शब्दों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपसे क्रिया विशेषण के शब्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इन 6 टॉपिकों से 10-10 क्वेश्चन लेकर आपसे कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 140 अंक के लिए आपसे GS पूछा जाता है और उस 140 अंक के GS में लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके बनते हैं भूगोल, पर्यावरण और जनसंख्या नगरीकरण से। 2016 में RO की परीक्षा हुई, उसका री एग्जाम हुआ आपके 2020 में, और अगर आप उसका री एग्जाम को देखिएगा तो भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या और नगरीकरण से लगभग 28 प्रश्न पूछे गए थे। और उन 28 प्रश्नों में जो विद्यार्थी पहले से हमारी क्लास पढ़ रहा है, टारगेट आलोक ऑनलाइन में पढ़ रहा है, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे कॉपी में, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो इनडायरेक्टली आपसे पूछे गए थे। तो चाहे डायरेक्टली आपसे पूछे जाए, चाहे इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाए, यदि आपने गंभीरता पूर्वक क्लास को अटेंड किया है, गंभीरता पूर्वक यदि आपने शिक्षण कार्य किया है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सही करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के मैं बढ़ रहा हूं और बढ़ने के क्रम में देखिएगा, 4 माह की ये तैयारी है हमारे साथ और इस 4 माह की तैयारी में आपको नौकरी अपनी पक्की करनी है। और RO ARO के द्वारा आपको नौकरी कहां मिलती है, उत्तर प्रदेश में कहां मिलती है, तो सचिवालय मिलती है। सचिवालय में आमतौर पर RO ARO की होती है। इसके अलावा जो हमारे आयोग हैं, जैसे लोक सेवा आयोग है, वहां पर भी RO ARO की तैनाती की जाती है। तो चलिएगा, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो है हमारा आज का, और इस टॉपिक का नाम है भारत की जलवायु। क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है हमारा भारत की जलवायु। अगर हम बात करते हैं कि जलवायु क्या है, तो इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं और जलवायु का अर्थ होता है, जलवायु वायुमंडल की एक दीर्घकाल की प्रक्रिया है। दीर्घकाल की प्रक्रिया का कहने का तात्पर्य है यह 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद क्या होती है, परिवर्तित होती है। 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि जलवायु क्या है, वायुमंडल की दीर्घकाल की प्रक्रिया है। वायुमंडल की
दीर्घकाल की प्रक्रिया। वायुमंडल की दीर्घकाल की प्रक्रिया है जो 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद, 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद परिवर्तित होती है। उससे अधिक वर्षों के बाद परिवर्तित होती है। पचास या उससे अधिक वर्षों के बाद परिवर्तित होती है। जलवायु के बारे में यह कहा जाता है कि यह दीर्घकाल की प्रक्रिया और लगभग 50 से 60 वर्षों के बाद इसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की जलवायु है। उष्ण प्रकार की जलवायु का कहने का तात्पर्य है कि भारत में वर्ष के अधिकांश समय तक ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और वर्ष के अधिकांश समय तक ग्रीष्म ऋतु पाए जाने के कारण ही हम क्या कहते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण प्रकार की। जैसे यहां पर देखिएगा, मान लीजिएगा हम किसी भी देश की जलवायु की बात करते हैं तो हम एक वर्ष की बात करते हैं। एक वर्ष बराबर कितने माह है, तो एक वर्ष बराबर 12 माह है। एक वर्ष बराबर कितना माह है, तो 12 माह। आप देखिएगा अगर किसी देश में ऐसी कंडीशन पाई जा रही है कि इन 12 माह में से 8 माह ऐसे हैं, इन 12 माह में से 8 माह ऐसे हैं जहां पर सर्दी है और 4 माह ऐसे हैं जहां पर क्या पाई जा रही है, 4 माह गर्मी पाई जा रही है और 8 माह तक क्या पाई जा रही है, सर्दी पाई जा रही है। यदि किसी देश में ऐसी स्थिति पाई जा रही है तो हम कहेंगे वर्ष के अधिकांश समय तक सर्दी है और वर्ष के अधिकांश समय तक सर्दी होने के कारण कहा जाएगा कि यहां की जो जलवायु है वो शीत प्रकार की है, अर्थात यहां पर शीत जलवायु पाई जाएगी। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहां पर शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, शीत। मान लीजिएगा अगर किसी देश में ऐसा देखा जाए कि एक वर्ष अर्थात 12 माह है, एक वर्ष अर्थात 12 माह में ऐसा देखा गया कि 6 माह तक गर्मी पड़ रही है, 6 माह तक गर्मी है और 6 माह तक क्या है, 6 माह तक सर्दी है। 6 माह तक गर्मी है और 6 माह तक यदि किसी देश में सर्दी पड़ रही है तो हम कहेंगे यहां की जलवायु किस प्रकार की है, तो इस जलवायु को नाम दिया जाएगा सम जलवायु। वर्ष के जितने समय तक गर्मी है उतने ही समय तक सर्दी पाई जा रही है, तो इस प्रकार यदि किसी देश में वर्ष के लगभग बराबर बराबर डेज, बराबर बराबर दिनों में, बराबर बराबर माह में सर्दी और गर्मी एक समान पाई जा रही है तो कहा जाएगा यहां की जलवायु है सम जलवायु। और यदि ऐसा देखा जाए कि किसी देश में, ऐसा देखा जाए कि किसी देश में 4 माह तक गर्मी रहती है, किसी देश में 4 माह तक क्या पाई जाती है, गर्मी पाई जा रही है और 8 माह तक क्या पाई जा रही है, 4 माह तक सर्दी पाई जाए, 4 माह तक सर्दी पाई जा रही है और 8 माह तक गर्मी पाई जा रही है। यदि किसी देश में ऐसा पाया जा रहा है तो कहा जाएगा यहां पर गर्मी के दिन अधिक हैं, तो इस देश की जलवायु किस प्रकार की हो जाएगी, तो इस देश की जलवायु हो जाएगी उष्ण जलवायु। किस प्रकार की जलवायु हो जाएगी, तो यहां की जलवायु आपकी किस प्रकार की हो जाएगी, तो यहां की जलवायु हो जाएगी उष्ण जलवायु। अब बताइएगा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइएगा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो आप कहेंगे सर भारत में जलवायु पाई जाएगी कौन सी, उष्ण जलवायु। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो आप कहेंगे सर भारत में उष्ण जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय तक, क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय तक यहां पर क्या पाई जा रही है, गर्मी। तो याद रखिएगा कि भारत में अगर जलवायु की बात की जाए कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में जलवायु पाई जाती है उष्ण जलवायु, अर्थात अधिकांश समय तक यहां पर गर्मी पाई जा रही है, अधिकांश समय तक यहां पर क्या पाई जा रही है, गर्मी पाई जा रही है, ठीक ना। तो ये जलवायु अभी हमने समझा कि जलवायु किसे कहते हैं और साथ ही साथ जलवायु, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। अब भारत की जलवायु को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, मतलब
अगर हम आपसे कहें कि भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की है, तो भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की क्यों पाई जा रही है, भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की क्यों है, या भारत में लगभग वर्ष के 8 महीने गर्मी क्यों पड़ती है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो हम इन्हीं का भी अध्ययन करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है। अगर भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक है। प्रत्येक देश का कुछ ना कुछ अक्षांशीय विस्तार होता है। अक्षांश किसे कहते हैं, तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ग्लोब है, एक ग्लोब है, इस ग्लोब पर जो भी क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, इन सभी क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो मान लीजिएगा यहां पर मैं भारत आधा भारत बना देता हूं, तो कोई ना कोई एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के सबसे निचले पायदान से गुजरेगी, और कोई ना कोई एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के सबसे ऊपरी वाले पायदान से होकर गुजरेगी। तो एक अक्षांश रेखा ऐसी होगी जो सबसे नीचे भाग से होकर गुजर रही होगी, और एक ऐसी होगी जो सबसे ऊपर। तो इन्हीं दो रेखाओं को क्या नाम दे दिया गया, अक्षांशीय विस्तार। विस्तार का मतलब क्या है, फैलाव। विस्तार का मतलब क्या होता है, तो विस्तार का अर्थ होता है फैलाव, यानी भारत का अक्षांशीय फैलाव कहां से कहां तक है। भारत का अक्षांशीय फैलाव आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8°4' एन। एन मतलब नॉर्थ है। 8°4' एन से 37°6' एन तक, 37°6' एन तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार। मतलब सबसे निचले पायदान से 8 डिग्री चैनल गुजर रहा है, 8 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है, और सबसे ऊपरी वाले भाग से कौन सा, 37 डिग्री। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, समझिएगा यहां पर थोड़ा सा। जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, जो काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। 0° अक्षांश, और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे आप 0° से या तो उत्तर ध्रुव की ओर जाइएगा, या 0° से आप दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा, सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, और सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण तापमान में क्या आने लगती है, तापमान में कमी आने लगती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से चाहे आप उत्तर ध्रुव की ओर जाएं, या विषुवत रेखा से आप दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं, हमेशा तापमान में क्या आती है, कमी। अब अगला समझिएगा, भारत का यहां पर कौन सा विस्तार है, 8°4' है, और सबसे नीचे मान लीजिएगा यहां पर कौन सी रेखा है, जीरो है, फिर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, दस होगा, कहां तक पहुंच जाएंगे, ये कौन सी रेखा है भारत की, 37°6' अक्षांश है। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ऊपर की ओर जाइएगा, या विषुवत रेखा से नीचे की ओर जाइएगा, तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। मैं दूसरे शब्दों में, अगर और सिंपल शब्दों में अगर आपसे बात करूं कि अक्षांश रेखा के द्वारा हम अक्षांश रेखाएं क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम तापमान की गणना करते हैं। तो भारत निम्न अक्षांश में है। निम्न अक्षांश का मतलब है विषुवत रेखा के समीप है, और विषुवत रेखा के समीप है, 8 डिग्री इसका अक्षांश है, तो विषुवत रेखा के समीप होने के कारण यहां पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, और तापमान अधिक रहने के कारण ही यहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। गौर किया जाए मेरी बात पर कि तापमान अधिक होने के कारण यहां पर गर्मी पड़ती है, ठीक ना।
चलिएगा इन सबको हम मिटा देते हैं और देखिएगा जो मतलब की बात है उसको यहां लिखते हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा अक्षांश विस्तार, अक्षांश के द्वारा हम किसके किसका किसको ज्ञात करते हैं, तो अक्षांश के द्वारा ज्ञात करते हैं तापमान को। तो भारत में तापमान अधिक है, भारत में तापमान अधिक है इसलिए यहां पर वर्षा या इसलिए यहां पर वर्ष के अधिकांश समय तक ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, ठीक ना। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे भारत के निचले पायदान से यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी। चलिएगा मैं आप यहां पर आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। और वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु के बाद ऋतु आती है शीत ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो शीत ऋतु आती है, ठीक ना। बताइएगा ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने का कारण क्या है, तो आप सिंपल से शब्दों में कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु में जो है वो तापमान अधिक रहता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहने के कारण जल गर्म हो जाता है, और जल गर्म हो जाता है तो जल के गर्म होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बादल बनते हैं, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बादल बनेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। मतलब यह है कि जहां पर तापमान अधिक वहां पर वर्षा अधिक, मतलब तो यही निकल के आता है कि जहां पर तापमान अधिक वहां पर वर्षा की मात्रा क्या है, वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक है। तो भारत की जलवायु या वर्षा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हो गया तापमान, एक महत्वपूर्ण कारक हो गया तापमान। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है, जल गर्म होता है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, और उसके बाद क्या हो जाती है, उसके बाद हो जाती है वर्षा, ठीक ना। लेकिन यदि मैं यह बात कह रहा हूं कि तापमान का वर्षा से सीधा संबंध होता है, या जहां पर तापमान अधिक है वहां पर वर्षा अधिक होनी चाहिए, तो मैं अब अपनी ही बात को काट रहा हूं। यदि जहां पर तापमान अधिक है वहां पर वर्षा होनी चाहिए, तब तो राजस्थान के क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र में तो बहुत कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान से भयानक टेम्परेचर पाया जाता है, जैसलमेर में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो अधिक तापमान होने के कारण राजस्थान में वर्षा अधिक होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इससे हमें एक बात मालूम हुई, और इसके बाद इससे हमें एक बात ये पता चली कि तापमान वर्षा को या तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक तो है, लेकिन तापमान के अलावा और भी कारक हैं जो भारत की जलवायु या भारत की वर्षा को प्रभावित करते हैं, जो भारत की जलवायु या भारत की वर्षा को क्या करते हैं, भारत की जलवायु या भारत की वर्षा को प्रभावित करते हैं। तो तापमान यानी अक्षांश के अलावा, अक्षांश का मतलब तापमान है, अक्षांश के अलावा और भी कई सारे फैक्टर होंगे, और भी कई सारे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा कारक जो है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, उस दूसरे कारक का नाम क्या है, भारत के तीन ओर जल का पाया जाना, भारत के तीन ओर, भारत के तीन ओर जल का होना, भारत के तीन ओर जल। यह भारत है आपका, यहां बना रहा हूं मैं, यह आपका भारत है, और भारत के तीन ओर, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के तीन ओर जल है। अब बताइएगा अगर तापमान तो अधिक रहे, तापमान तो अधिक रहे, और अगर पानी ही ना हो, तो जब पानी नहीं होगा तो किस चीज का वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल कैसे बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो फिर वर्षा कैसे होगी। तो भारत के तीन ओर जल पाया जाता है, आप समझिए मेरी बात को, भारत के पहली बात तो भारत के तीन ओर जल पाया जा रहा है, यहां से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है 8 डिग्री, और मैंने कहा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। तो जब हम राजस्थान के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर तो कम हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर तो कम होता जाएगा, साथ ही साथ राजस्थान के क्षेत्र में पानी नहीं पाया जाता है, राजस्थान के क्षेत्र में समुद्र नहीं है, और राजस्थान के क्षेत्र में समुद्र न होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो बादल नहीं बन पाएंगे, बादल नहीं बन पाएंगे तो वर्षा नहीं हो पाएगी। इस वाले क्षेत्र में भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीप का मतलब है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा,
एक ऐसा भूखंड जिसके तीन ओर पानी होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के तीन ओर यहां पर जल है, इस जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से बादल बनेंगे और इस वाले रीजन में क्या हो जाएगी, वर्षा। तो यदि भारत के तीन ओर जल नहीं होगा तो शायद, यदि भारत के तीन ओर जल ना होता तो शायद ही भारत में इतनी वर्षा हो पाती, क्योंकि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर बादलों का निर्माण संभव नहीं है। तो भारत के तीन ओर जल का होना यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी भारत के पास जल है, भारत के तीन ओर जल है, इसलिए भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। तो भारत के तीन ओर जल भी भारत की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक ना। अब इसी का एक और भाग है, ठीक ना, भारत के तीन ओर जल होना। तीसरा फैक्टर मैं लिख रहा हूं, स्थल और जल का वितरण, स्थल और जल का वितरण। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा, यहां पर स्थल है और यहां पर जल है, तो स्थल और जल है तो स्थल और जल के कारण कुछ ना कुछ तो अंतर आता होगा, ठीक ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा, पानी जल्दी से गर्म होता है या धरातल जल्दी से गर्म होता है, तो आप कहेंगे सर धरातल जल्दी से गर्म होता है। धरातल की यह विशेषता है कि वह जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, जबकि पानी की यह विशेषता है कि वह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, आप 10 बजे अपनी छत पर जाइएगा, एक बकेट एक बाल्टी में पानी लेकर आप छत पर पानी रख के भागाइए 10 बजे। आप 2 बजे जाइएगा, आप एक हाथ पानी में डालिएगा और एक हाथ अपनी छत पर रखिएगा, आप बताइएगा आपको कौन सा अधिक गर्म लगेगा, छत। क्योंकि पानी पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, पानी का जैसे ही टेम्परेचर होगा, उस गर्म पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। तो जब पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन धरातल या जो छत है वह ऊष्मा को, सूर्य के प्रकाश को क्या करती रहेगी, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती रहेगी, और जब सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती रहेगी तो छत का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, छत का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो भारत स्थल और जल का वितरण यह भी तापमान पर प्रभाव डालता है। जैसे स्थल जल्दी से गर्म होता है, एवं जल्दी से ठंडा होता है। स्थल जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है, जबकि जो धारा, जो जल है, जल देर से गर्म होता है, एवं देर से ठंडा होता है। चलिए देखिएगा, यहां पर समुद्र के किनारे यहां पर एक शहर है मुंबई, और धरातल पर यहां पर एक शहर है दिल्ली। आप देखिएगा, दिल्ली धरातल पर है और मुंबई समुद्र के किनारे है। मुंबई में गर्म, सॉरी दिल्ली, दिल्ली की बात पहले करते हैं। दिल्ली, आप देखिएगा, दिल्ली में गर्मियों में अधिक गर्मी रहती है जबकि सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। जबकि मुंबई में आप जाएंगे तो गर्मियों में जिस प्रकार का मौसम रहेगा उसी प्रकार सर्दियों में भी मौसम रहेगा, कहने का तात्पर्य यह है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र जहां पर समुद्र और धरातल आपस में मिलते हैं, तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों में जल के प्रभावशाली होने कारण समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु का मतलब है जिस प्रकार का मौसम सर्दी में रहेगा उसी प्रकार का मौसम गर्मियों में रहेगा। समकारी जलवायु का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, यहां पर मैंने बनाया था ए समकारी समजलवायु। समजलवायु का मतलब क्या होता है, जितने समय तक गर्मी रहेगी उतने ही समय तक सर्दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में समकारी जलवायु पाई जाती है, तो तटीय क्षेत्रों में समकारी जलवायु पाई जाती है। सर्दी और गर्मी के दिन लगभग एक समान पाए जाते हैं, आप समझिएगा, जैसे जैसे आप धरातल से, जैसे जैसे आप समुद्र से अंदर की ओर प्रवेश करते जाएंगे,
जैसे जैसे समुद्र से आप अंदर की ओर प्रवेश करते जाएंगे तो समुद्र से अंदर की ओर स्थल की ओर प्रवेश करने पर तापमान क्या होता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि आंतरिक क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है जबकि तटीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। जबकि तटीय क्षेत्रों में तापमान क्या है, जबकि तटीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाएगा। बोलिएगा, यदि भारत के तीनों स्थल ना जल ना होता तो शायद ही तापमान में परिवर्तन होता, क्योंकि यहां पर तापमान कम पाया जाएगा तटीय क्षेत्रों में और धरातलीय क्षेत्रों पर तापमान अधिक पाया जाएगा। जहां पर तापमान में अंतर पाया जाता है तो तापमान में अंतर को तापांतर कहते हैं। तापमान में अंतर को क्या कहा जाता है, तापमान में अंतर को तापांतर कहा जाता है। और जहां पर तापांतर पाया जाता है वहां पर हवाएं क्षेत्र चलने लगती है, ठीक ना। देखिएगा, मान लीजिएगा ये भारत है तो गर्मियों में धरातल का टेम्परेचर अधिक होगा और यहां का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, पानी का टेम्परेचर कम होगा। और तापमान का याद रखिएगा दाब से विपरीत संबंध होता है, तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर प्रेशर कम होगा और कम प्रेशर के लिए हम एक शब्द यूज करेंगे लो प्रेशर। और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर प्रेशर अधिक होगा और अधिक प्रेशर के लिए हम एक शब्द यूज करेंगे हाई प्रेशर HP। तो यहां पर गर्मियों के समय में धरातल पर तो लो प्रेशर बन जाते हैं जबकि समुद्र में यानी जल के भाग में जहां पर जल होते हैं वहां पर हाई प्रेशर बन जाते हैं। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलने लगती हैं, पवनें चलने लगती हैं। अब बताइएगा यदि भारत देश में हाई प्रेशर और लो प्रेशर का निर्माण नहीं होता तो क्या यहां पर पवनें चलती, तो यहां पर पवनों का विकास होना संभव नहीं हो पाता, तो यहां पर पवनों का विकास होना संभव नहीं हो पाता, ठीक ना। तो यहां पर गर्मियों में हाई प्रेशर बनेगा और यहां पर लो प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। पवन हमेशा याद रखिएगा क्षैतिज चलती हैं। अगर हवा क्षैतिज चल रही है तो इसको हम पवन कहते हैं और यह हमेशा हाई प्रेशर से कहां की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और यदि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, यदि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है वायु। क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दे दिया जाता है वायु, ठीक ना। तो भारत के तीन ओर जल है इसलिए कभी टेम्परेचर में परिवर्तन पाया जा रहा है और टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण ही, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का विकास हो रहा है, ठीक ना। चलिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तीन कारकों पर अभी हमने बात की, अक्षांश या तापमान, फिर भारत के तीन ओर जल का होना और स्थल और जल का वितरण, ठीक ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है स्थलाकृतियों का विकास, स्थलाकृतियों का विकास, स्थलाकृतियों का विकास। और यहां पर जिन स्थलाकृतियों की बात हो रही है, यहां पर स्थलाकृतियों की बात हो रही है मुख्य रूप से पर्वत। तो यदि भारत में जहां जहां पर्वत हैं वहां वहां पर वर्षा अधिक होती है और जहां पर पर्वतीय क्षेत्र नहीं वहां पर वर्षा नहीं हो पाती। देखिएगा, मान लीजिएगा ये कोई पर्वत है, मान लीजिएगा ये कोई पर्वत है। देखिएगा, भारत में तीन प्रकार की वर्षाएं होती हैं, पहले समझिएगा। एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है चक्रवाती या वातागिरी वर्षा। भारत में सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों के सहारे होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं, माउंटेन रेन कहते हैं, ठीक ना। ये पर्वत है, कोई पवन है, पवन पर्वत के जो ढलान से टकराएगी, पवन मान लीजिएगा पर्वत के इस ढलान से टकरा रही है, तो पवने पर्वतों के जो ढलान से टकराती हैं इसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एक नाम दिया जाता है और इसे नाम दिया जाता है पवन सम्मुख ढाल। और जब पवने पवन सम्मुख ढाल पर टकराती है तो पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है और आर्द्रता होने के कारण ये पवन सम्मुख ढाल पर क्या कर देती हैं, पवन सम्मुख ढाल पर क्या करती हैं, अधिक मात्रा में वर्षा करती हैं, अधिक मात्रा में वर्षा करती है। जैसे ही पवनें पवन सम्मुख ढाल पर वर्षा करती हैं आर्द्रता में कमी आती है, आर्द्रता में कमी आने के कारण पवनें हल्की होती हैं और हल्की होने के बाद,
हल्की होने के बाद यह पवने इन पर्वतों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ जाती हैं, तो इस वाले क्षेत्र में, वर्षा नहीं हो पाती है। तो जिस ढलान से पवने टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं, और जिस ढलान पर पवने नहीं आती हैं उसको पवन विमुख ढाल कहा जाता है। उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है पवन विमुख ढाल। क्या नाम दिया जाता है? तो पवन विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होगी, तो ऐसे क्षेत्र वर्षा नहीं होगी। नीचे को एरो बनाया है मैंने। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ऐसे क्षेत्रों को रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो पवन विमुख ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेशों का विकास होता है। वृष्टि छाया प्रदेश किसका विकास होता है? वृष्टि छाया प्रदेश का यहां पर विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? वृष्टि छाया प्रदेशों का यहां पर विकास हो जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृष्टि छाया प्रदेश कहां पाए जाएंगे? तो वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं पवन विमुख ढाल पर। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, यहां पर ए भारत देश है, और यहां पर एक राज्य केरल, और यहां पर एक राज्य तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर कुछ पर्वत है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम है। जब मानसूनी पवने आती हैं, तो मानसूनी पवने भारत में जब आती हैं, सर्वप्रथम 1 जून को आती हैं, केरल में जब आती हैं, तो केरल में जो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती हैं। तो जब पर्वतीय क्षेत्रों से टकराएंगे तो पवन सम्मुख ढाल हो जाएगा। तो यहां पर तो ये केरल के क्षेत्र में तो वर्षा करती है, लेकिन केरल के क्षेत्र में वर्षा करने के बाद जब इनकी आर्द्रता में कमी आ जाती है, तो यह पवने इन पर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है, और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा ना होने का कारण क्या है? क्योंकि तमिलनाडु पर्वतों के विपरीत ढाल पर है, यानी पवन विमुख ढाल पर स्थित है, और पवन विमुख ढाल पर स्थित होने के कारण यहां पर वर्षा नहीं होगी। और पवन विमुख ढाल पर स्थित होने के कारण जब यहां पर वर्षा बाबू नहीं होगी, तो इसे क्या नाम दे दिया जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट में वर्षा ना होने कारण वृष्टि छाया प्रदेश है। और केरल का जो तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। और मालाबार तट पर सबसे पहले वर्षा होती, कहने का तात्पर्य मालाबार तट पवन सम्मुख ढाल पर है और कोरोमंडल तट पवन विमुख ढाल पर है। भारत में जितनी भी वर्षा होती है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, वह वर्षा पर्वतों के सहारे होती है, और पर्वतों के सहारे होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब बताइएगा, अगर यहां पर केरल में अगर यहां पर पर्वत ना होते तो क्या यहां पर वर्षा होना संभव था? तो मानसून यहां से सीधा सीधा निकल जाता। बुंदेलखंड के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में कोई भी ऊंचा पर्वत नहीं है जो मानसून को रोक सके, इसलिए मानसून बुंदेलखंड से सीधा सीधा निकल जाता है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है स्थलाकृतियों का विकास। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है ऊंचाई। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है ऊंचाई, ठीक ना? कैसे? देखिएगा, ऊंचाई, हाइट, इसी को कहीं कहीं पर उत्तुंगता लिखा मिलता है, उत्तुंगता, ठीक ना? हाइट हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। मान लीजिएगा ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अगर इस पर्वतीय क्षेत्र पे जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो हाइट बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, और हाइट बढ़ने पर तापमान में कमी कितनी आती है? तो लगभग आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। यानी अगर हम कहें कि यहां पर हम रूम टेम्परेचर पर हैं, यदि जहां पर अभी हमें यहां पर हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, मान लीजिएगा यहां से आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर तापमान क्या हो जाएगा? वहां का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, अर्थात 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो लगभग 165 मीटर ऊंचाई बढ़ेगी हमारी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। 165 का दूना कितना हो जाएगा? 330। अगर 330 हो जाएगा। अगर 330 मीटर ऊंचाई बढ़ेगी तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तापमान में क्या आती है? कमी। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि अक्षांश के द्वारा हम तापमान की गणना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिएगा,
कहा जाता है कि एक ही अक्षांश पर जो ए अक्षांश ही कोई मान लीजिएगा एक्स अक्षांश पर यहां पर एक शहर है जैसलमेर राजस्थान में जैसलमेर और यहां पर पश्चिम बंगाल में एक शहर है दार्जिलिंग। जैसलमेर और दार्जिलिंग लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी जैसलमेर में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है जबकि दार्जिलिंग में टेम्परेचर कम पाया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यह है कि जैसलमेर मैदानी क्षेत्र में है और मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक होता है जबकि दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है तो जैसे जैसे मैदान से पहाड़ों की ओर जाएंगे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में क्या आ जाएगी, तो तापमान में कमी आ जाएगी और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। यही कारण है कि गर्मियों में हम लोग पिकनिक मनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम रहता है, अच्छा में ठंडक महसूस होती है और गर्मियों में पर्वतों के लोग मैदानों की ओर आते हैं कि सॉरी सर्दियों में पर्वतों के लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर आते हैं क्योंकि सर्दियों में और ऊपर वाले क्षेत्रों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर भयानक रूप से ठंड पाई जाती है। उस ठंड से बचने के लिए कहां आते हैं? नीचे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती, कमी। तो यही 5 कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार या तापमान, भारत के 3 ओर जल होना, जल और स्थल का वितरण, उच्चावच या इसी को हम कह सकते हैं स्थलाकृतियां, और एक होता है क्या, ऊंचाई। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी। यह हमारा नंबर है। आरओ एआरओ का बैच प्रारंभ कर दिया गया है टार्गेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। ईमानदारी पूर्वक आपको क्लास यहां पर दी जाती है। नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, वर्नर नोट्स, टेस्ट सीरीज, मैराथन क्लास है, प्रैक्टिस सेट सब कुछ यहां पर मिलेगा। प्रत्येक दिन लगभग 6 घंटे क्लास होंगी। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री आरओ एआरओ लिखकर हमें सेंड कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और एडमिशन प्रक्रिया आपको बता देगी। ठीक है, थैंक यू आज के इस लेक्चर में। इसके आगे मिलते हैं फिर इसी का अगला पार्ट लेकर आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।